नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे नए कार्यक्रम डॉक्टर्स ऑन कॉल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम सेहत से जुड़ी आम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता, एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि दिल का डॉक्टर। और मैं हूं डॉक्टर सोनियालाल गुप्ता, एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर। इस सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी सेहत से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने की और कैसे सेहतमंद रहे इसे बेहतर तरीके से समझाने की। हमारी सारी बातचीत दुनिया भर में साबित हुई वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर होगी। आज हम सेहत से जुड़े उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसे भारत में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। ये हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, हम सबको प्रभावित करता है, यानी विटामिन डी की कमी। स्टडीज के मुताबिक 10 में से 9 भारतीय विटामिन डी की कमी से प्रभावित है। इसके बावजूद हमें इसका पता ही नहीं चलता। मिसेस चंद्रा एक आम भारतीय महिला है। दिल्ली के करीब गुड़गांव में एक अपार्टमेंट में रहती है। रिटायर हो चुकी है और पति के साथ सामान्य जिंदगी जी रही है। हर रोज कसरत करती हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश करती हैं। लेकिन बीती दिवाली की छुट्टियों में उन्हें अपने पैर में दर्द महसूस हुआ। जब वो डॉक्टर के पास गई, एक्सरे कराया तो पता चला कि पांव में फ्रैक्चर है। खुशकिस्मत रही कि फ्रैक्चर बड़ा नहीं था, लेकिन उन्हें याद नहीं कि उनके पैर में चोट उन्हें लगी कब। ब्लड टेस्ट कराया तो बाकी सब कुछ नॉर्मल निकला सिवाय विटामिन डी के स्तर के। विटामिन डी की कमी की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो गई थी। इस तकलीफ को मेडिकल के पेशे में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ बड़ी पार्टी थी, उस दिन सडनली पैर में दर्द हुआ तो हमने सोचा पता नहीं क्यों हो रहा है, इग्नोर कर दिया, कॉम्बिफ्लान खा ली, उससे आराम मिल गया। अगले दिन सुबह उठे तो फिर बहुत जोर बहुत सारी स्वेलिंग थी और एकदम पैर लाल हो गया। तब लगा कि अब डॉक्टर पास जाना चाहिए, तो डॉक्टर पास गए तो उन्होंने कहा, टेस्ट कराने को बोला, एक्सरे कराया तो उसमें फ्रैक्चर निकला। हम तो खुद बहुत सरप्राइज हो गए कि ये हुआ कैसे, जब कहीं गिरे नहीं, चोट नहीं लगी, तो ये कैसे हड्डी टूट गई। अगर आपके बच्चों में विटामिन डी का लेवल कम है तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और शरीर में दूसरी डिफॉर्मिटीज भी आ सकती हैं। बड़े लोगों में विटामिन डी की कमी से थकान, हड्डियों में दर्द और हल्के घाव के साथ फ्रैक्चर हो सकता है। यही नहीं, इससे दिल के दौरे की आशंका भी बढ़ जाती है। कुछ स्टडीज में तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे कैंसर की आशंका भी रहती है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन डी कहा जाता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का बड़ा हिस्सा सूरज की रोशनी का त्वचा के संपर्क में आने से बनता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट बी किरणें विटामिन डी के बनने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। सूरज की रोशनी पहले हमारी चमड़ी में एक प्री विटामिन यानी D3 बनाती है। ये D3 लिवर और किडनी में एक्टिवेट होकर शरीर में कैल्शियम सोखने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। यही नहीं, इसे दिमाग, दिल, पैंक्रियास और यहाँ तक कि पूरा इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहता है। दरअसल इन दिनों हमें कई वजहों से पूरी धूप नहीं मिल पाती। एक वजह है हमारी व्यस्त लाइफस्टाइल। हम अधिकतर समय घर दफ्तर के अंदर रहते हैं और धूप सेक ही नहीं पाते, जिससे विटामिन डी का स्तर शरीर में कम हो जाता है। चमड़ी का रंग गोरा हो, इसे लेकर हमारे देश में बड़ा पूर्वाग्रह है जो हमें सूरज के सामने रहने से रोकता है। त्वचा का रंग निखारने में हम अपना काफी समय और पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त हम अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर देते हैं। एक दिक्कत और है, प्रदूषण। ये सूरज की जरूरी अल्ट्रावायलेट बी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं बनता। दिल्ली में हुए एक रिसर्च में मध्य दिल्ली के बेहद प्रदूषित इलाके अब बाहरी दिल्ली के कम प्रदूषित इलाकों की तुलना की गई। पता चला कि जहां प्रदूषण ज्यादा था वहां लोगों में विटामिन डी की कमी ज्यादा थी। अब पहली और सबसे जरूरी चीज ये है कि विटामिन डी की गोलियां लेने केमिस्ट के पास मत भागिए। बेहतर ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा धूप सेकें। विटामिन डी का स्तर बढ़ाने के लिए आपको हफ्ते में 2 दिन 20 से 30 मिनट तक धूप सेकनी चाहिए, इतना काफी होगा।
अगर आपकी त्वचा कुदरती तौर पर गहरे रंग की है तो आपको धूप ज्यादा सेकनी होगी। ये भी ध्यान रखें कि आप अपनी बाहों, पैरों और अपनी पीठ को धूप के सामने जरूर रखें। बस इतनी सी बात है, हड्डियाँ कमजोर ना हो, इम्यून सिस्टम मजबूत हो और दिल के दौरे की आशंका कम से कम हो, इसके लिए कुछ देर धूप में जरूर बैठें। पर ज्यादा बैठने से भी स्किन जल सकती है और स्किन कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। आप अंडों, लिवर और मछली से भी विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। दरअसल भारत में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं। ये भी एक वजह है कि आम भारतीय की डाइट में विटामिन डी काफी कम रहता है। ये पता चला है कि विटामिन डी की जरूरत का सिर्फ 10% हम अपनी डाइट से हासिल करते हैं। अब ये कैसे पता लगा है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं? बस एक साधारण सा ब्लड टेस्ट। अगर आपका विटामिन डी का लेवल 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आपके डॉक्टर आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने की सलाह भी दे सकते हैं। तो अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपने विटामिन डी का स्तर पता लगाने के लिए एक साधारण सा ब्लड टेस्ट कराइए। ध्यान रखिए, 10 में से 9 भारतीय विटामिन डी की कमी से प्रभावित हैं और इससे कई दिक्कतें हो सकती हैं। अपने विटामिन डी को नॉर्मल रखने के लिए हफ्ते में 2 बार 20 मिनट के लिए धूप में बैठिए, लेकिन ज्यादा मत करिएगा। धीरे धीरे अपने खान पान में भी बदलाव लाइए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।